यात्रियों ने चंडीगढ़ अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से हंगामा किया। यात्रियों के हंगामे के कारण मौके से पुलिस बल तैनात किया गया सी। हालांकि एयरपोर्ट अथॉरिटी ने उन्होंने शांत करने के यत्न किए, पर यात्रियों का गुस्सा सत्तवें स्वर्ग विच सी अते वो शांत नहीं हुए अते एक जोरदार प्रदर्शन शुरू किया। दरअसल 43 यात्रियों को चंडीगढ़ तो शारजहां फ्लाइट विचों उतारिया गया, जिस तो बाद माहौल गर्म हो गया। वीरवार को इमीग्रेशन विभाग ने उस नू बोर्डिंग पास मिलने के बावजूद यात्रा करन तो रोक दिता सी। इना लोकां ने दस्या कि वो समय ते हवाई अड्डे ते पहुंचे सन, इस दे बावजूद इमीग्रेशन विभाग ने उन्हां नू यात्रा करन तो रोक दिता। अजिही स्थिति विच जां तां उन्हां नू दुबारा उही टिकट ते यात्रा करन दी आग्या दित्ती जानी चाहीदी है, जां उन्हां दी टिकट दी रकम वापस कीती जानी चाहीदी है। दस दईए कि एयर इंडिया एक्सप्रैस दी फ्लाइट AXB 188-187 ते 43 यात्री जो कि वीरवार शाम 4:30 बजे चंडीगढ़ तो शारजहां लई रवाना हुए सन नू यात्रा तो इनकार कर दिता गया, क्योंकि उन्होंने कोविड प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया सी। चंडीगढ़ के वसनीक जसवंत ने दस्या कि उसने शारजहां आउन जाउन लई 40,000 रुपए विच टिकट खरीदी सी। ओह सैर सपाटे अते अपने काम दे सिलसिले विच दुबई जा रहा सी। फ्लाइट विच सफर करन दे सारे प्रोटोकॉल पूरे करन तो बाद उसनू एक बोर्डिंग पास भी मिल गया, पर इस दौरान एक औरत दी इमीग्रेशन अफसर नाल बहस हो गई। इस तो बाद इमीग्रेशन अधिकारियों ने 43 यात्रियों नू यात्रा करन तो रोक दिता। हमारे 10 डॉक्यूमेंट वो चेक करते करते एक भी कम बोलेंगे जाओ जी आपके लिए सकते, ठीक है वो तो है सर। और अलग अलग हमारे उन्होंने पे अलग अलग चेकिंग सर चेक भी नहीं किए, और हमारे जो आपके जो इमीग्रेशन ऑफिसर थे वो हमें ये बोल रहे हैं, हमें पता है आप लोग विजिट वीजा लेकर जा रहे हो, काम करोगे सर, हम इधर से जाओ कहीं से भी जाओ, मुझे पता है इमीग्रेशन ऑफिसर के क्वेश्चन होते हैं वो पूछते हैं, हमें क्लियर करके होते हैं पर्सनली पूछते हैं। उन्होंने हमें लाइन में खड़ा कर दिया, जैसे हम लोग चंदा मांगने वाले बारी बारी आएंगे, लाइन में खड़ा कर दिया, बोल रहे हैं पहले कौन गया है हाथ खड़े करो, कर दिया, कहाँ जाना है किसके पास जाना है, किसी ने बोला मेरा भाई है, भाई का नाम बताओ, मैंने बोला मेरा दोस्त है, भाई मेरा दोस्त है, मैंने बोला मैं जाऊंगी, वो बोले ठीक है आपके सच बोला अंदर आ जाओ, ये बात क्या है, सबके पास जाओ कि मैंने सबके पास वीजा है, आप सबको चेक करो। मैडम वही बता रहा हूँ जो इंटेलिजेंस एजेंसी है आईबी पर्सनल बातें नहीं हो सकती, ये वर्डिंग तो बोलूंगा लड़कियों को बता देगी क्या करने सकती है, मैं जाती वो ये पता नहीं होता वाले वो किसी कैरेक्टरिस्टिक में थोड़ी करेंगे मैडम, अभी आगे का सिचुएशन हम देखते हैं, आगे का जो लिस्ट है हमारी दी हुई है, यहां से तब तक नहीं जाएंगे जब तक हमें सॉल्यूशन एट द एंड पता नहीं चलेगा कि होगा क्या। मैडम यहां पे खड़े होकर इन्होंने ईमेल करी हुई है, बॉम्बे से आना है, यहाँ पे खड़े आपसे बात करने के लिए आए, हम नहीं जाएंगे, हमें रीजन बताइए प्रॉपर रीजन, वैलिड रीजन बहुत है, कोई रीजन लीजिए वैलिड। साडा बोर्डिंग भी क्लीयर हो गया, सब कुछ क्लीयर हो गया सीगा, जदों साडी इमीग्रेशन की बारी आई तो इमीग्रेशन ऑफिसर ने सानू अंदर नहीं वड़न दिता, मेरे नाल 45% जो होर सीगे जिन्हां दे डॉक्यूमेंट्स भी चेक नहीं होए ते उन्हां नू कैंसल कर दिता गया कि तुसी नहीं जा सकते। बोर्डिंग काउंटर भी 4 बजे तक चलते पे सीगे, एंड जिहड़े इमीग्रेशन ऑफिसर सीगे उन्होंने सानू एंट्री नहीं दिती, एंड कुछ वर्ड जिहड़े गलत वो भी यूज़ किए, जिवें कि कुछ असी तुहानू नहीं विदा सकते इदां दी कोई गल्लां गई उन्होंने, तो असी ये रिक्वेस्ट करते हैं कि असी भी बहुत गरीब घरों तो हैगे आ, उत्थे असी काम करने वास्ते जाना सी, घूम जाना सी, जिवें भी उन्होंने सानू गलत बोलिया, ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਰਿਫੰਡ ਚਾਹੀਦਾ ਆ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਫਲਾਈਟ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨੈਕਸਟ, ਉਹੀ ਪੈਸੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ 1 ਰੁਪਿਆ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਵੀ ਟੈਸਟ ਦੇ ਪੈਸੇ ਲੱਗੇ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਟੈਸਟ ਦੇ ਵੀ ਪੈਸੇ ਲੱਗੇ ਆ ਸਾਡੇ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਵਰਲਡ ਫੇਮਸ ਬਾਬਾ ਸਲੀਮ ਖਾਨ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਅਤੇ ਮਾਯੂਸ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੋਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ, ਜਿਵੇਂ ਚਾਹੋਗੇ ਉਵੇਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਟਸ ਮਾਈ ਪ੍ਰੋਮਿਸ, ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਰਿਜ਼ਲਟਸ, ਓਪਨ ਚੈਲੰਜ, ਇਲਮਾ ਦੇ ਮਾਹਿਰ A to Z ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਫੋਨ ਤੇ ਹੀ ਘਰ ਬੈਠੇ ਕਰਵਾਓ, ਵਸ਼ੀਕਰਨ ਅਤੇ ਮੁਟਕਰਨੀ, ਲਵ ਮੈਰਿਜ, ਸੌਤਨ ਅਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ, ਪੱਕਾ ਕੰਮ ਪੱਕਾ ਹੱਲ, 101% ਗਾਰੰਟੀ, ਅਸਟਾਮ ਪੇਪਰਸ ਮੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ, ਨੌਕਰੀ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ, ਘਰ 'ਚ ਝਗੜਾ ਕਾਟੋ ਕਲੇਸ਼ ਤਲਾਕ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਝਗੜਾ, ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਣਬਣ, ਜਾਦੂ ਟੋਨਾ, ਮਨਮੋਹਣੀ ਵਸ਼ੀਕਰਨ ਕਰਵਾਓ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁੜਵਾਓ, ਰੁੱਸੇ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣਾ, ਹੁਣੇ ਕਾਲ ਕਰੋ ਬਾਬਾ ਸਲੀਮ ਖਾਨ 98 118 95 590।